नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ तुजुल। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूं हिंद भारत के इस खास वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के बारे में। दर्शकों, आपको एक स्टोरी तो याद होगी, एक फिल्म आपको याद होगी जिसमें आयुष्मान खुराना स्पर्म डोनेट करते हैं। जी हाँ, उस फिल्म का नाम था विके डोनर। और इस फिल्म के बारे में जब ये फिल्म आई थी तो लोग काफ़ी हैरान रह गए थे आयुष्मान खुराना को ऐसा रोल करते हुए। आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म से डेब्यू किया था और इसके साथ साथ अनु कपूर भी उस फिल्म में नजर आए थे। अब कंटेंट की अगर बात करें, यानी कहानी की अगर बात करें, तो काफ़ी सारी चेंजेस लोगों की मेंटालिटी में देखने को मिली थी उस फिल्म को देखने के बाद। अब कहानी का जो बेसिक थीम था वो कुछ इस प्रकार से था कि जो विकी डोनर, मतलब जो हमारे आयुष्मान खुराना होते हैं, उस फिल्म में अपना स्पर्म डोनेट करते हैं। इसके बाद लोगों को स्पर्म के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां पता चली कि कैसे स्पर्म डोनर जो है अपना काम करते हैं और स्पर्म डोनेट कैसे किया जाता है। तो युवाओं में भी काफ़ी सारी हलचल इस फिल्म के कंटेंट को देखकर आई। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि एक स्पर्म डोनर कैसे बना जाता है? आज हिंदुस्तान में जो है स्पर्म डोनर लीगल माना जाता है, कानूनी तौर पर आप स्पर्म डोनर बन सकते हैं और यहाँ तक कि आप स्पर्म डोनेट करके काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पर्म डोनर कैसे बना जाता है, कैसे स्पर्म डोनेट किया जाता है और कैसे ये लीगल है और इससे आप काफ़ी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। भारत के अंदर स्पर्म बेचना लीगल है, इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति अपना स्पर्म बेच सकता है, खासकर विदेशों के अंदर तो स्पर्म डोनेट का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पर स्पर्म पैदा करने वाले पुरुषों की संख्या भी बेहद कम रह गई है, लेकिन भारत के अंदर नौजवान आबादी ज्यादा है। तो चलिए जानते हैं स्पर्म डोनेटर बनने से जुड़े कुछ सवाल और उनके हल। नए शोधों के अंदर पता चला है कि 1 मिलियन पुरुष स्पर्म के अंदर कमी की वजह से बच्चे पैदा करने में असक्षम हैं। संतानहीन जोड़े को स्पर्म प्रदान करने के लिए फर्टिलिटी क्लिनिक 3 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और स्पर्म डोनेशन का प्रयोग पुरुष बांझपन की वजह से बच्चे पैदा करने में किया जाता है। यह विषम लैंगिकों जोड़ों के लिए भी होता है, जैसे कि पुरुष साथी बिना शंक्राणु एंजियोस्पर्म या पैदा करता है, उसी तरह से महिला भी एकल ही बच्चा पैदा कर सकती है। एक मत के अनुसार ये कहा गया है कि एकल माताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने की वजह से भी स्पर्म डोनेशन की मांग बढ़ी है और बदलती जीवन शैली की वजह से पुरुष बांझपन भी बढ़ा है, जिससे भी स्पर्म के मांग के अंदर बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा फेयर स्किन और अच्छी शिक्षण योग्यता वाले डोनर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि अच्छे घर के लोग एक स्पर्म डोनेशन की संख्या बहुत ही कम है। स्पर्म डोनेट करके पैसा कमा रहे हैं छात्र। दिल्ली के अंदर कुछ स्कूली छात्र अपना स्पर्म बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं, हालांकि उनको स्पर्म डोनेशन का 1,000 से 2,000 रुपए प्रति बॉटल ही मिल रही है। ये छात्र IVF के केंद्रों पर अपना स्पर्म डोनेट कर रहे हैं, हालांकि ये सब अवैध रूप से हो रहा है। तनाव और अन्य बीमारियों की वजह से बढ़ते बांझपन की वजह से अच्छे स्पर्म की कमी है और इसी वजह से ये कारोबार फल फूल रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा स्कूल और कॉलेज के छात्र हैं जो कि IVF क्लिनिक पर फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या वो यहाँ पर स्पर्म डोनेट कर सकते हैं। फर्टिलिटी क्लिनिकों के अंदर प्रतिदिन 15 से 20 लोग अपना स्पर्म दान कर रहे हैं। कक्षा 12 के एक छात्र का कहना है कि स्पर्म दान करने के बाद ही मेरा दूसरा शॉट है, क्योंकि मेरे पास अबाय का कोई और सोर्स नहीं है, इससे मुझे पैसे कमाने में मदद मिलती है। तो वहीं एक हरियाणा के छात्र का कहना था कि मैं एक दूर स्थान से आता हूं और मेरा उद्देश्य अच्छा पैसा कमाना है। इस संबंध में एक छात्र कहते हैं कि ये सब एक अच्छे कारण के लिए है, मैं उन लोगों की मदद कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। डॉक्टर बता रहे हैं कि जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं तब दिल्ली के मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट ने स्पर्म दान करने के लिए हम लोगों से संपर्क किया। हालांकि 18 साल से कम उम्र के लड़कों का स्पर्म डोनेट नहीं किया जा सकता। अब इन तमाम बातों के बाद आपके दिमाग में सबसे ज्यादा आएगा कि आखिर स्पर्म डोनेट करने की सही उम्र और सही लक्षण क्या है, यानी आप कौन सा वो व्यक्ति है जो स्पर्म डोनेट कर सकता है। तो इस वीडियो को आप आगे से देखना शुरू कीजिए। कोई भी पुरुष अपना स्पर्म बेच सकता है जिसके पास अच्छे शंक्राणुओं की संख्या मौजूद हो और स्पर्म बेचने के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई भी शारीरिक और मानसिक बीमारी ना हो, क्योंकि बीमारियां व्यक्ति के स्पर्म से होकर बच्चे के अंदर चली जाती हैं। HIV, हेपेटाइटिस बी और सी, एड्स या HTLV या फिर कोई गुप्त रोग नहीं होना चाहिए, उन्हें कैंसर या मधुमेह भी नहीं होना चाहिए। साथ ही व्यक्ति का रहन सहन भी अच्छा होना चाहिए, वो अपराधी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। स्पर्म डोनेट करने से पहले आपसे कई सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी आपकी लाइफ से जुड़े सवाल भी, आपका स्किन कलर आदि भी दर्ज किया जाता है। व्यक्ति की उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद व्यक्ति का स्पर्म सही मिलना मुश्किल होता है। इसके साथ ही व्यक्ति समलैंगिक भी नहीं होना चाहिए।
स्पर्म डोनेट करने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि स्पर्म डोनर की आयु कम से कम 21 से 22 साल होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 38 से 40 साल के आसपास की होनी चाहिए। मिनिमम आयु में कम से कम को स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्पर्म डोनेट करने के लिए आपके अंदर ये योग्यता होना भी जरूरी है कि आपको किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक बीमारी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि स्पर्म बैंक इन सभी बीमारियों को चेक करने के बाद ही स्पर्म लेती है। स्पर्म डोनेशन के लिए आपके अंदर कम से कम एक महीने के अंदर 6 बार स्पर्म के नमूने देने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण होते हैं। इसके अलावा स्पर्म डोनेशन के लिए कम से कम 6 महीने तक आप किसी भी तरीके से अपना स्पर्म नाश नहीं कर सकते। जैसे कि आप स्पर्म डोनेट करने के लिए 6 महीने तक आप कोई भी संबंध नहीं बना सकते। जो डोनर स्पर्म को डोनेट करता है उसकी पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसका बड़ा फायदा डोनर को मिलता है। इसके अलावा जो परिवार स्पर्म लेता है उसे विशेष विधि से महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कराया जाता है और उसकी पहचान भी गुप्त रखी जाती है, यानी किसी को पता नहीं चल पाता कि वो किसके स्पर्म का बच्चा है। इसके वजह से दांत और ग्राही दोनों को ही कोई समस्या नहीं होती। हालांकि अब सवाल ये भी है कि क्या सच में स्पर्म बेचना अच्छी बात है? क्या सच में स्पर्म बेचने से आपको फायदा होगा, या फिर क्या सच में आपको जो आप स्पर्म दे रहे हैं वो वाकई में अगर सोशल तरीके से देखा जाए तो उस बात में कितनी अच्छाई है? तो देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि स्पर्म बेचने से नुकसान होता है, लेकिन हमारा मानना है कि इस तरह से कोई भी नुकसान नहीं होता। वैसे देखा जाए तो बहुत से लोग हैं जो बच्चा पैदा नहीं करना चाहते और अपना स्पर्म बेकार में ही नष्ट कर देते हैं। आप चाहे तो अपना वो स्पर्म बेच सकते हैं। जो लोग अपना स्पर्म को डोनेट करना चाहते हैं उनके लिए काफी फायदा है, वो पैसा और पुण्य दोनों कमा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि स्पर्म कहाँ पर डोनेट करें? आप अपने स्पर्म डोनेशन से जुड़ी जानकारी सारे indiansperm.in पर जाकर ले सकते हैं। इसकी जानकारी अंदर इंग्लिश में लिखी हुई है। आप इंडियन मार्ट पर भी कई स्पर्म बैंक के बारे में देख सकते हैं और इनके फोन नंबर्स लेकर बात कर सकते हैं और इस नेट पर स्पर्म डोनेशन के बारे में सर्च कर सकते हैं, तो आपको कोई भी स्पर्म बैंक मिल जाएगा जहां पर जाकर आप अपना स्पर्म दे सकते हैं। यदि आपका स्पर्म अच्छा है तो उसकी काफी डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब ये तो बात हो गई स्पर्म देने की, लेकिन स्पर्म के लिए जो हम पैसे के बारे में सोचते हैं उसकी क्या वैल्यू है, यानी कि कितना पैसा आपको स्पर्म डोनेट करने के बाद मिलने वाला है? तो आगे इस वीडियो को देखिए और जानिए कि आप इससे कितना फायदा कमाने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो पैसे वैसे कोई फिक्स नहीं है। आपका स्पर्म यदि अच्छी क्वालिटी का है तो आपको एक बार में इंडिया के अंदर 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं। यदि आपके स्पर्म की क्वालिटी कमजोर है तो आपको 5,000 ही मिलेंगे, यानी आपको मिलने वाले पैसे आपके स्पर्म की क्वालिटी पर निर्भर करते हैं। जब हमने नेट पर सर्च किया तो पता चला कि बहुत से लोग इस बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन हिंदी में इस पर कोई ज्यादा खास नहीं बताया गया, तो हमने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो बनाकर आप सभी से शेयर कर लेते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने भी स्पर्म डोनेट करने का मन बनाया है तो हमें भी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने की कोशिश कीजिएगा कि वो अस्पताल तो फर्जी नहीं है। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज।